100% कहानी, 100% मज़ा, 100% मैजिक। किस्सा एक कहानी का। दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी, वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। जिन्नों का खंडहर, वो मेरी आंखों के बीच से मुझे लेकर मेरे आर पार निकल गया, पीछे कुछ छूट गया। जो चलता है, हिलता डुलता बात करता है, पर वो मैं नहीं हूं, वो बस मेरा वो शरीर है जिसमें कभी मैं रहता था, उसकी आंखों से देखता था, उसके कानों से सुनता था। आज उसमें जान होगी शायद, पर मैं नहीं। उसे देखता हूं मैं यहां बैठा एक साए के साथ, जो मुझे ले आया है वक्त के इस पार अपने साथ। वो साया जो है एक जिन। किस्मत खराब थी हमारी, जो अपने फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने के लिए हम इस खंडहर नुमा इमारत में आ चुकी थी। मेरे अब्बू ने कितना मना किया था आज के ट्रिप के लिए। उधर अनीशा और रश्मि के पापा ने भी उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की थी, पर हम तीनों जिद करके अकेली आज अपना संडे खराब करने इस फोटोग्राफी ट्रिप पर आ गई थी। असल में मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं कैमरे में कुछ ऐसा कैद कर लूं जो आज तक कोई न पकड़ पाया हो। रश्मि के भैया बहुत समय से हमें कह रहे थे कि तुम लड़कियों में हिम्मत ही नहीं है, तुम लोग क्या कुछ नया कैप्चर करोगी। ये बात हम तीनों को चुनौती जैसी महसूस हुई थी। हम तीनों ने ठान लिया था कि कुछ भी हो, हम दिखा देंगी कि हम में भी हिम्मत है। हिम्मतें मरदा तो मददे खुदा। मेरे अब्बू ने मुझे इसलिए नहीं रोका था कि मैं एक लड़की हूं, वो तो रश्मि और अनीशा के पापा की तरह बस ये कह रहे थे, बेटी जमाना ठीक नहीं है। और मैं उनकी बात सुनकर बोली, क्या कह रहे हो अब्बू, जमाना ठीक नहीं है? तो मुझे बताओ, जमाना कब ठीक था अब्बू? ना आज, ना कल, ना कभी और। हजारों सालों से दुनिया लड़कियों को यही बोलकर घर बैठाती आई है कि जमाना ठीक नहीं है। तुम तो और लोगों जैसे नहीं हो अब्बू, तुमने मुझे जिंदगी ही नहीं दी बल्कि सांस लेना सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, मेहनत करके जीतना सिखाया है। मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट ना आए और मेरी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी हो, इसलिए तुमने मुझे कोई भाई या बहन भी नहीं दिया। तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो अब्बू। मुझे फख्र है कि तुम मेरे अब्बू हो। कितना अच्छा होता कि दुनिया का हर बाप तुम जैसा होता। तुमने मुझ पर, अपनी रजिया पर इतना भरोसा किया है अब्बू, और रजिया अपनी सांस रहते तुम्हारा भरोसा न तोड़ेगी और ना टूटने देगी। अब्बू की आंखें नम हो गई थी,
उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर अम्मी से बोले, अमीना रजिया का लंच पैक करो, देखें मेरी फोटोग्राफर बेटी क्या कैद करती है अपनी मुट्ठी में। इसी तरह रश्मि और अनीशा भी जमाना खराब है का बढ़िया बढ़िया जवाब देकर आ गई थी। हम तीनों बहुत खुश थी, खुली हवा में सांस ले रही थी, हंस रही थी, जी रही थी और फोटो खींच रही थी। खुशी से फूली नहीं समा रही थी हम। पता नहीं ये आजादी इतनी मुश्किल क्यों है हम औरतों के लिए, क्यों मर्द अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए औरत जात को दायरे में बंद कर देते हैं। खैर, हमने गली के नुक्कड़ पर मिलने का वादा किया था और सुबह के पूरे 11 बजे तक हम अपना लंच पैक करके वहां आ चुकी थी। हमने वहां से एक ऑटो लिया और उसे पुराने खंडरों की ओर चलने को कहा। मैं वहां नहीं जाऊंगा दीदी, आप किसी और को ढूंढ लो। भैया, अगर तुम्हारी अपनी बहन होती तो उसे भी इसी तरह मना कर देते, रश्मि ने कहा। उस बेचारे के पास कोई जवाब नहीं था। शरीफ आदमी रहा होगा बेचारा, चुपचाप हमें लेकर चल पड़ा। दीदी, क्यों जाना चाहती हैं वहां आप लोग? मैंने सुना है वे खंडर भूतियां हैं। मेरे एक दोस्त परवेज ने बताया था कि वहां जिन्नात रहते हैं, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, जाने क्या क्या देखा है लोगों ने। दीदी, कोई बात नहीं भाईजान, लोगों ने देखा है तो हम भी देख लेंगी, और देख क्या लेंगी, उन्हें भी कैमरे में कैद कर लेंगी। हम ठहाका लगाकर हंस पड़े। हमें भी तो पता चले कि ये लोग कैसे होते हैं भाईजान, जो दिखते भी नहीं और फिर भी सब लोग इनसे इतना डरते हैं। पर अनीशा थोड़ा डर गई थी, घबराते हुए बोली, रश्मि, रजिया, हम ठीक कर रही हैं ना? ओफो अनीशा, चिंता मत करो। कुछ आधे घंटे बाद एक सुनसान सी सड़क आ चुकी थी। दोनों तरफ हरियाली थी और कोई बसावट नहीं थी। कमाल की बात थी, आज संडे था, फिर भी कोई इस तरफ घूमने नहीं आया था। अच्छी बात थी कि मौसम थोड़ा सुहाना था, बारिश का सा हो गया था, काला बादल सा छा गया था। क्या शानदार दिन चुना था हमने अपनी फोटोग्राफी पिकनिक के लिए। खंडहर के गेट के पास ऑटो रुक चुका था। भैया, यहां से दूसरा ऑटो तो मिलेगा नहीं, क्या आप हमें कुछ देर बाद पिक कर लोगे? वो एक पल को रुककर हमें देखता हुआ बोला, ठीक है दीदी, आप मेरा नंबर ले लो और निकलने से आधा घंटा पहले फोन कर लेना, या तो मैं आ जाऊंगा या अपने किसी दोस्त को भेज दूंगा, पर जहां से आप लोगों को बैठाया है वहां तक आपको वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। हमने उसका नंबर लिया और उसे थैंक्स कहते हुए उसके पैसे देकर हम एक्साइटेड से खंडहर में घुस गए। एकदम अलग ही दुनिया थी ये तो। मोटी मोटी पुराने पहाड़ी पत्थरों से बनी इमारतें वक्त की मार से धीरे धीरे धूल में मिलती जा रही थी। रजिया, जरा पानी देना तो, रश्मि ने पानी की बोतल ले पानी का घूंट भरा। और तब तक अनीशा और मैं अपने अपने कैमरे निकाल चुके थे। तभी हमारे ऊपर किसी ने खूब सारा पानी छिड़क दिया। पागल हो गई हो क्या, हम अपने कैमरे बचाते हुए रश्मि पर चिल्लाए। मैं, ये मैंने नहीं किया, मुझे किसी ने धक्का दिया है, वह सक पकाते हुए बोली। कौन देगा धक्का, कोई भी तो नहीं है हमारे अलावा यहां, अनीशा ने कहा। मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूं, मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया है, मैं गिरते गिरते बची हूं, रश्मि ने सफाई देते हुए कहा। हमने और बहस करना ठीक नहीं समझा और आगे को चल पड़ी। कुछ एक दो घंटे हम यहां वहां फोटो खींचती रही। पुरानी मीनारें, गुंबद, सुहाना आसमान, उड़ते पंछी, लगभग पूरी दुनिया कैद कर ली थी हमने अपने कैमरे में। तभी अनीशा बोली, अरे सुनो, क्यों ना खंडर के अंदर चलें और कुछ और फोटो खींचें,
क्या पता कोई आत्मा या भूत या जिन अपनी फोटो खिंचवा ले। रश्मि थोड़ा घबराई हुई थी। वो श्योर थी कि उसे किसी ने धक्का दिया था और धक्का देने वाला उसे नहीं दिखा था। रजिया और अनीशा के जोर देने पर रश्मि खंडहर के और अंदर जाने को तैयार हो गई। हम अभी अंदर आए ही थे कि हमें जोरों की भूख लग गई थी। हमने एक साफ सा कोना देखकर वहां अपने लंच बॉक्स निकाल लिए और अपने कैमरे साइड पर रख दिए थे। हमने फटाफट अपने लंच बॉक्स खोले, पर उन लंच बॉक्स में जो था वो खाना हम घर से नहीं लाए थे। उन खाने के डिब्बों को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम तीनों के खाने के डिब्बों में कच्चे मांस के टुकड़े पड़े थे। हम हैरानी से अभी उन डिब्बों को देख ही रहे थे कि एक बिजली सी चमकी। ये कोई आसमानी बिजली नहीं, बल्कि हमारे कैमरों से निकली फ्लैशलाइट थी। हम तीनों के कैमरे सामने हवा में झूल रहे थे और कोई हमारी फोटो खींच रहा था, कोई ऐसा जो हमें दिख नहीं रहा था। हमारी चीखें निकल गई। खौफ से सनी हम बाहर की ओर भागी तो हमने वो देखा जिस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जिस दरवाजे से हम अंदर आई थी वहां अब एक दीवार थी। दरवाजा घूम कर दूसरी ओर चला गया था। रश्मि डर से बेहोश हो गई थी। अनीशा और मैं अभी इससे निकलने का सोच ही रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से हमारे बाल खींचने शुरू कर दिए। इसके साथ ही कोई बड़ी तेजी से एक के बाद एक हमारे मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। हम डर और दर्द से चीख रही थी। हमारे मुंह लाल होकर सूज चुके थे, पर थप्पड़ पड़ने बंद ही नहीं हो रहे थे। ये क्या मुसीबत मोल ले ली थी हमने। दिमाग काम करना बंद हो गया था। तभी अनीशा गुस्से और दर्द से चीखी, क्यों मार रहे हो हमें? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? और अचानक थप्पड़ रुक गए। एक आवाज गूंजी, क्यों आई हो तुम लोग यहां? ये हमारा घर है। हम तो बस घूमने आई थी और कुछ देर में जाने ही वाली थी, रजिया ने हिम्मत करके कहा। नहीं, हो ना हो तुम किसी शैतानी इरादे से यहां आई हो। ये तुम्हारे साथ जादुई चीजें हैं जिनसे तुम बिजली चमका रही हो, और हमारे यहां रहने वाली रूहें इससे डर रही हैं। तुम क्यों हमें डरा रही हो? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही किसी ने रजिया और अनीशा का गला दबाना शुरू कर दिया। और पूरा कमरा किसी चक्की की तरह घूमना शुरू हो गया। सारी दीवारें छत समेत घूम रही थी। इसके साथ ही हवा में तैरते हमारे कैमरे किसी शैतानी ताकत ने उठाकर बाहर फेंक दिए। इस खौफनाक मंजर को बर्दाश्त करने की अब और ताकत नहीं थी हमें। एक तरफ डर बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ दम घुट रहा था। हम दोनों अपने होश खो बैठी और निढाल नीचे गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे हमारी जान निकलकर जिन्नों के साथ चली आई है। शाम के 5 बजे थे। हमारे चेहरों पर पानी डाल डाल कर कोई हमें जगा रहा था। ये और कोई नहीं, वही ऑटो वाला था। दीदी दीदी उठो दीदी, क्या हो गया आप तीनों को? उसने घबरा कर पूछा। हम किसी तरह उठी तो देखा उसके पास हम तीनों के कैमरे थे। हमने खींच कर उससे कैमरे लिए
तो वो टूटे नहीं थे, पर उनमें सुबह से दोपहर तक ली गई कोई फोटो नहीं थी। हम तीनों ने एक दूसरे को चुप रहने का इशारा किया और उससे पूछा कि वो यहां कैसे आया। तो वो बोला, दीदी 4 बजे तक आपका कोई फोन नहीं आया तो मुझे चिंता हो गई और मैंने ऑटो इस ओर घुमा लिया कि देखूं आप सब लोग ठीक भी हैं या नहीं। अच्छा ही हुआ दीदी कि मैं आ गया। आपको क्या हो गया था दीदी? अरे भाईजान, अंदर शायद ऑक्सीजन की कमी थी तो चक्कर आ गया होगा। शुक्रिया भाईजान, आप लौट आए। आपसे एक गुजारिश है कि इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, वरना आप तो जानते हैं कि हम पर कितनी पाबंदियां हैं। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं समझता हूं, वो ऑटो वाला बोला। हम तीनों डरी सहमी सी ऑटो में बैठ वापस चल पड़े। पर जिन्नों या भूतों के होने पर हमें अब कोई शक नहीं था। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबके साथ के लिए धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियाँ लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 100% मिस्ट्री, 100% मैजिक, 100% मज़ा।